एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई निष्ठा 4.0 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम दूसरे कोर्स खेल आधारित सीखने के परिवेश के नियोजन के मूल्यांकन भाग में तीनों अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और साथियों, इस कोर्स के मूल्यांकन भाग में आपको तीन प्रयास मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी भी एक प्रयास में 70% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और इससे पहले के प्रथम कोर्स की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आकलन भाग में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने के अनुभवों की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दिशा निर्देश नहीं है? इसका सही जवाब है विषय परियोजनाएं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को किसी भी विचार के बावजूद दिलचस्प लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तेजना किस परिवेश बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और सीखने को प्रभावित करती हैं? इसका सही जवाब है प्री स्कूल परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसीई के लिए दीर्घकालिक योजना कार्यक्रम आमतौर पर डैश शैक्षणिक कैलेंडर के लिए विकसित किए जाते हैं? इसका सही जवाब है वार्षिक। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे किस कौशल का प्रयोग करते हैं जब वे बाहर खेल रहे हैं और शिक्षक निर्देशित और बच्चों द्वारा शुरू किए गए खेल का आनंद ले रहे हैं? इसका सही जवाब है सकल मांसपेशीय कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घेरा समय क्षेत्र की टाइम एरिया गतिविधि का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है स्केच करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के दक्ष होने के लिए शुरू में कौन सी भाषा अनिवार्य मानी जाती है? इसका सही जवाब है मातृभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खेल गतिविधि के लिए आदर्श समय अवधि मिनटों में क्या है? इसका सही जवाब है 25 से 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़िया और नाटकीय क्षेत्रों में बच्चों को सुविधा प्रदान करते हैं? इसका सही जवाब है उनकी याददाश्त को मजबूत करना। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की दृष्टि से उपयुक्त खिलौनों और सामग्रियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका सही जवाब है यह बच्चों के अन्वेषण के लिए परिवेश को दिलचस्प बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों द्वारा शुरू की गई गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसका सही जवाब है अपनी पसंद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच संतुलन के माध्यम से बच्चों की मदद नहीं करेगा? इसका सही जवाब है आपस में लड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों की प्रिंट जागरूकता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? इसका सही जवाब है कहानी की किताब का कवर पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश क्षेत्रों और एक प्रिंट और संख्यात्मक समृद्ध वातावरण बनाना बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के प्रति एक अच्छा शैक्षणिक दृष्टिकोण है? इसका सही जवाब है लेबल करने के। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री तय करने का मानदंड क्या है? इसका सही जवाब है बच्चे का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्री स्कूल शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के लिए बाहर स्थान होना चाहिए? इसका सही जवाब है उत्प्रेरक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त छोटे समूह के खेल के लिए गतिविधि रुचि वाले क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है? इसका सही जवाब है मोबाइल फोन। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधि तैयार करने से पहले किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चे की ध्यान अवधि। अगला प्रश्न देखते हैं, कला क्षेत्र में गतिविधियाँ बच्चों को उंगलियाँ और हाथों की सूक्ष्म मांसपेशियाँ का व्यायाम करने में मदद करती हैं और उन्हें डैश के लिए भी तैयार करती हैं? इसका सही जवाब है लेखन कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से खेल क्षेत्र बच्चों के लिए सीखने की सुविधा के लिए भौतिक परिवेश बनाते हैं? इसका सही जवाब है आंतरिक और बाह्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को मुक्त और निर्देशित आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम कितना समय दिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है 30 मिनट।
अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोर स्पेस को डैश की उचित व्यवस्था के साथ गतिविधि क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है खुले शेल्फ और बच्चों के अनुकूल फर्नीचर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्री स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं? इसका सही जवाब है खेलने और सीखने का परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों को अपना अधिकांश समय घर के अलावा कहाँ बिताना चाहिए? इसका सही जवाब है जीवंत प्री स्कूल आंगनवाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे किस क्षेत्र में वैज्ञानिक अवधारणाएं और कौशल सीखते हैं? इसका सही जवाब है डिस्कवरी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भौतिक परिवेश बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसका सही जवाब है बच्चों के समूह के लिए सीमित खिलौने और खेल सीखने की सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। ECC कार्यक्रम द्वारा कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनवाड़ी में पढ़ने के क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है जोड़ तोड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के संचालन के लिए प्रारंभिक वर्षों के शिक्षा कार्यक्रम में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? इसका सही जवाब है समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में मैनिपुलेटिव एरिया का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है गणित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनवाड़ी के वातावरण को आरामदायक बनाना क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब है अपनेपन की भावना रखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के लिए योजना बनाते समय आप किन 3 मुख्य सिद्धांतों और तरीकों पर विचार कर सकते हैं? इसका सही जवाब है सीखने के अनुभव, संदर्भ और प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समग्र विकास का क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब है उदासीन। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा जब गतिविधियों में संलग्न हो तो उसका अवलोकन करके आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसका सही जवाब है बच्चा किस सीखने के प्रतिफल में प्रगति कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य करने का लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र विकास के लिए कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनवाड़ी की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई भौतिक सेटिंग के लिए सही कथन कौन सा है? इसका सही जवाब है आंगनवाड़ी बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होने और खुशी से सीखने में मदद करने के लिए भौतिक सेटिंग सुरक्षित स्वच्छ आरामदायक आकर्षक और अच्छी तरह से डिजाइन की गई होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में रुचि का क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब है रूफटॉप एरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ECC कार्यक्रम के बुनियादी वर्षों का लक्ष्य नहीं है? इसका सही जवाब है बच्चे प्रभावी संचारक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 विकास लक्ष्यों को शामिल करते हुए आंगनवाड़ी बच्चों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता? इसका सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्यों को कक्षा की प्रक्रियाओं और बच्चों के खेल और सीखने के निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन का मार्गदर्शन करना चाहिए। साथियों, अब आप इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देकर 70% से अधिक अंक ला सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको बाकी के कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तर भी मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।